क्लासिक 350 का दो की जहाँ पे कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल रहा है, और प्राइस यहाँ पे हो जाता है इसका 2,53,000। तो इसी का सर कुछ डिटेल्स आज आपको देने वाले, बताने वाले कि आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला। प्राइस तो ऐसे अप्रोक्स आपको 253 के आसपास आपको पड़ने वाला ऑन रोड प्राइस, वो भी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। शोरूम का डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएगा, नीचे भी मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, तो आके विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। उसके बाद देखेंगे इसका लोन से डिटेल कि कम से कम डाउन पेमेंट में और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना मंथ के लिए क्या ईएमआई आपका आ जाएगा। तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक कम सबका ईएमआई आपको अलग अलग बताने वाला है। तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है, कम से कम डाउन पेमेंट में सारा कुछ हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो की है ना, इसको लगा के कर लेंगे मीटर कंसोल वगैरह वन, और देखेंगे कि कैसे लगती है। तो मीटर वगैरह देख सकते हैं, तो मीटर वगैरह कुछ इस तरह का दिया गया है एनालॉग में। यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है, इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। इधर आपको सारा बटन कंट्रोल मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट और स्टॉप का। इधर देख सकते हैं एक ही चीज़ यहाँ पे वॉल्यूम, मतलब ये पे यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है आपको। हेडलाइट का कंट्रोलिंग, इंडिकेटर, हॉर्न, वहाँ पे EMID का सारा कंट्रोलिंग, ट्रिप ऑडोमीटर वगैरह। और ये स्टील ब्लैक में है, देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड यहाँ पे, और क्लासिक 350 देख सकते हैं पूरा मैट ब्लैक कलर में। फ्रंट इसका लुक से अगर बात करें तो देख सकते हैं क्रोम डिजाइनिंग में, मतलब सिल्वर कलर में देखने के लिए मिलेगा। हैलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर वगैरह, इसका अपडेट करके अपना न्यू मॉडल में बहुत सारा कुछ अपडेट किया गया है। बट इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सारा कुछ तो लगभग लगभग पहले भी रिव्यू कर चुके हैं। इसका जो चेंजेज है उसका रिव्यू पहले वहाँ कर चुके हैं। जैसे रेड कलर में देख सकते हैं एक वहाँ पर भी है मद्रास रेड, एक ये बहुत सारा कलर इसका आ चुका है। तो अभी हम इसी का सारा कुछ बताएंगे आपको लोन डिटेल से रिलेटेड कि क्या डाउन पेमेंट और क्या पड़ने वाला है। तो बेसिक चीज़ अभी कवर कर लें तो आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में एलॉय व्हील देखने के लिए मिलेगा, रेड एसटी का टैंक पे भी, पैनल पे भी, और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं 19 इंच का एलॉय व्हील के साथ। रियर में आपको मिल जाएगा 18 इंच का, रियर का टायर सेक्शन 120 और फ्रंट का अप्रोक्स आपको आ जाएगा 110 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये टायर सेक्शन हो जाता है इसका, वो चीज़ अभी हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट का आपको 190 और 19 इंच एलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। रियर में जो आपको 120, 80 और 17 इंच एलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलेगा। फुटरेस्ट वगैरह सेम, इंजन वगैरह वही है जो पहले आ रहे थे, यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं है। डुअल पिस्टन कैलिपर में ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे इसका फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा आपको, और रियर में आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर में, दोनों में दोनों आपको दोनों चैनल जो है ना ABS में देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट एंड रियर डुअल चैनल ABS में। और बाइक का इंजन से पावर का बात कर लें तो आपको मिल जाता है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन, जहाँ पे मिलता है 349 cc का इंजन और 20 PS का मैक्सिमम पावर, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और यहाँ पे फ्यूल इसका डिलीवरी सिस्टम जो है वो है FI, जिसको बोला जाता है फ्यूल इंजेक्टर, जो काफ़ी बेहतरीन है। माइलेज यहाँ पे आपको 35-40 का इजीली माइलेज मिल जाता है अगर इकोनॉमी मोड पे चलते हैं तो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस हिसाब से किस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका लगभग लगभग चीज़ तो हो गया, और वेट इसका अप्रोक्स 195 के आसपास आपको पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया वेट। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे लेग गार्ड हो गया, इंजन गार्ड हो गया, सीट कवर हो गया, ग्रेबरेल मतलब पीछे का जो बैक सपोर्ट है, ये सारा कुछ है ना विथ एसेसरीज आता है, इसका जो भी चार्ज होगा वो अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने हिसाब से अपना लेग गार्ड वगैरह चेंज करवा सकते हैं, जो आपको सही लगे वो अपना यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारा कुछ हो गया यहाँ पे, इसका डिटेल्स, इंजन गार्ड भी, और इसका ये ऐसे बोला जाता है टॉप लाइन वेरियंट कहा जाता है। और ये जो बाइक है ना E20 के साथ है, ये देख सकते हैं E20 OBD2 कम्पलाइंट के साथ, BS6 फेस 2 जिसको बोलते हैं, बहुत लोग अभी यहाँ पे इसको BS7 बोल रहे हैं, तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो हम बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे लोन से रिलेटेड कि क्या डाउन पेमेंट, कितना दिन के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं इसका लोन से डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका ना स्टार्टिंग वैसे ही तो बोला जाए तो लगभग आपको 55,000 का डाउन पेमेंट करते हैं, मतलब 253 है, तो 53 अगर डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी रेस्ट अमाउंट क्या पड़ गया आपका लगभग 2 लाख के आसपास। आप तो अगर 45 कर दिए तो 2,05,000, 55 कर दिए, ठीक है, तो बाकी जो अमाउंट बच गया उसका आपको लोन मिल जाएगा। तो अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं और डॉक्यूमेंट बताते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, स्टेटमेंट, यही सारा कुछ लगेगा, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं। और अगर आपके पास 2 साल का ITR है तो मात्र आपको 8,000 डाउन पेमेंट मिल जाएगा, 8,799 rupees में लेके जा सकते हैं। ये आपका बेहतरीन ऑफर है, मतलब मात्र 7,999 rupees में लेके जा सकता है क्लासिक का 350 ये स्टील ब्लैक। तो आप हम बात कर रहे हैं इसका 55,000 डाउन पेमेंट या तो 58,000 जो भी, अगर अप्रोक्स आप 55-58 का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो बाकी रेस्ट अमाउंट जो बढ़ गया वो आपका लगभग अगर 24 मंथ के लिए, मतलब 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना होगा 9,790 rupees, मतलब 9,790 rupees, 9,790 rupees 24 मंथ के लिए, 6,850 rupees, 6,800 rupees, 36 मंथ का, और
तीन साल का, दो साल का 9790 और 36 मंथ के लिए 6850 और 48 मंथ के लिए 5410 रुपीज़, मतलब 5410 रुपये। 60 मंथ के लिए मतलब 5 साल के लिए लेते हैं तो 45,000, 60 मंथ के लिए लेते हैं 4550 रुपीज़। और अगर 72 मतलब एपोसिएट हो गया आपका 6 ईयर 6 साल के लिए लेते हैं तो 3900 के आसपास आपको पड़ने वाला है। ये आपका ई एम आई आ जाता है कम से कम, और ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिन के लिए लेते हैं तो कम से कम ई एम आई रहेगा, और कम दिन के लिए तो ज़्यादा ज़्यादा ई एम आई रहेगा। तो दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है, चाहे ज़्यादा दिन के लिए ले लें तो कम पे करना होगा, कम कम करके, और ज़्यादा पे करते हैं तो कम दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देख लेना अपना, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका मतलब जो आपका इनकम है, सैलरी है, और तो फिर बिजनेस करते हैं, जो करते हैं उसके हिसाब से। तो ठीक है, आज का खत्म कर लेते हैं क्लासिक थ्री स्टूडियो कॉलेज के साथ। और आज का रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और इस तरह का बाइक से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू लगा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।